अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज फिर हाज़िर हूँ एक और ज़बरदस्त नेचुरल वीडियो के साथ। और आज मैं यहाँ पर हूँ ट्यूबवेल पर, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मंज़र हमारे सामने आँखों के। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता भी हूँ और आपको ये दिखाता भी हूँ। ये जी हमारे गाँव के तकरीबन पास ही कह सकते हैं, 2 किलोमीटर दूर है ये, तो गाँव के एरिया के अंदर ही आता है ये ट्यूबवेल चल रहा है। चूँकि आजकल सीज़न जो है वो शुगर केन का है, गन्ने का सीज़न, उसको भी पानी लग रहा है, और उसके साथ साथ चावल की फसल जो है वो अभी लगने वाली है, स्टार्ट होने वाली, तो उसके लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ये मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला तो ये ट्यूबवेल चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना व्यूअर्स को भी दिखा दें और ख़ुद भी थोड़ा इंजॉय कर लें जो है वो खूबसूरत मंज़र। ये देखें, ये कुआँ इसका जिसके अंदर से ये पानी आ रहा है, ये जो बड़ा पाइप है ये कुएं के अंदर से आ रहा है, तो कुआं काफ़ी गहरा होता है, ये आपको कुछ नज़र भी आ रहा है। और इसके अंदर एक मोटर लगी हुई होती है जो कनेक्टेड होती है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और ये इलेक्ट्रिसिटी रूम इनका बना हुआ है, और फिर ये पानी जो है वो इसी तरह नालियाँ बनी हुई हैं, इनके ज़रिए खाले के ज़रिए फिर पानी फसलों में जाता है। ये देखें, ये पानी यहाँ से आ रहा है और ये इस एक बड़े खाड़े के अंदर आ रहा है, इसको पूल कह सकते हैं, वो बड़ा पूल था जिसमें डायरेक्ट पानी आ रहा है, ये देखें, और उसके बाद फिर ये एक छोटा पूल है, इसके अंदर पानी आता है यहाँ से, फिर नालियों के ज़रिए फसलों की तरफ चला जाता है। ये देखें, ये जा रहा है जी इधर से पानी, और ये फिर फसलों को शराब करता है, ठंडा ताज़ा पानी, दिल तो करता है इसमें नहाए, लेकिन अभी क्योंकि मैं ड्रेस नहीं पहन के आया, चेंजिंग करके आया, तो ये देखें जी, ये थोड़ा ओवरव्यू भी आपको दिखा दें, वो पुराने वाला है जो ख़राब हो चुका है, इसकी जगह ये रिप्लेस किया हुआ उन्होंने। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।